टाटा मोटर्स भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लगभग 14% इसका मार्केट शेयर है और एक से एक टॉप सेलर प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। और अब टाटा मोटर्स ने अपना लक्ष्य रख दिया है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अपना मार्केट शेयर 14% से बढ़ा करके 18 से 20% तक ले जाना। तो इसीलिए कुछ नए प्रोडक्ट इनके लॉन्च किए जाने हैं जिनकी ऑफिशियल टाइमलाइन रिवील कर दी गई है। टाटा की कर्व जो कि एक मिड साइज एसयूवी रहने वाली है, कूपे लुक में आएगी। इसको इसी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में लॉन्च किया जाएगा। यहां पर ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च की जाएगी और साथ ही साथ डीजल वर्जन इसका आएगा। इसके बाद पेट्रोल वर्जन को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये मार्केट में ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। उसके बाद हैरियर का ईवी वर्जन आएगा। फिलहाल हैरियर जो है वो 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। हैरियर ईवी को मार्च 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा और यहां पर इसमें आपको 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देगा। ये डुअल मोटर सेटअप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी। ये मार्केट में उस समय महिंद्रा एक्सयूवी E8 को राइवल करेगी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 में सियरा ईवी को लॉन्च किया जाएगा। ये डुअल मोटर सेटअप के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली है और हो सकता है कि सियरा ईवी का आपको एक इलेक्ट्रिक वर्जन के अलावा पेट्रोल डीजल वर्जन भी देखने को मिल जाए। इसके बाद प्रीमियम सेगमेंट में आएगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही अवन्या। काफ़ी टाइम पहले इसको अनवील किया गया था। इसमें काफ़ी लग्जूरियस फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लगभग 300-400 किलोमीटर की रेंज इसमें मिल सकती है और ये जैगुआर लैंड रोवर के EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यानी कि आप मान करके चलो ये आयोनिक 5 की या EV6 जैसी गाड़ियों को राइवल करने के लिए आ रही है और 40 से 45 लाख रुपए के आसपास प्राइस हो सकती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स अपने ईवी शोरूम्स जो कि डेडिकेटेड ईवी जैसे टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, पंच, इन गाड़ियों के लिए स्पेशल जो शोरूम्स रहते हैं उनके लिए कम से कम 50 से ज़्यादा नए ईवी शोरूम खोलने जा रहा है आने वाले 2 सालों में। फिलहाल पूरे देश भर में केवल 2 ही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये 1 लाख चार्जिंग स्टेशन तक लगाने का प्लान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा की पंच और टाटा की नेक्सॉन ईवी का क्रैश टेस्ट किया गया और आपको पता ही है टाटा मोटर्स सेफेस्ट गाड़ी बनाने के लिए जाना जाता है, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत एनकैप में इनको एक बार फिर 5 out of 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिल गई हैं। टाटा पंच को भी चाइल्ड सेफ्टी और एडल्ट सेफ्टी दोनों में ही 5 out of 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली और टाटा नेक्सॉन ईवी को भी चाइल्ड सेफ्टी और एडल्ट सेफ्टी दोनों में ही 5 out of 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। यानी सेफेस्ट कार की लिस्ट में 2 नई कार्स ऐड हो गई हैं। इसके अलावा इस क्रैश टेस्ट के दौरान निसान मैगनाइट का फेसलिफ्ट वर्जन भी स्पॉट किया गया भारत एनकैप क्रैश टेस्टिंग साइट पर, लेकिन यहां पर पहले जैसा ही लुक इसका देखने को मिल रहा है। इससे पहले फेसलिफ्ट वर्जन की कुछ टेस्टिंग इमेजेस सामने आ चुकी हैं और 2025 में उसको लॉन्च किया जाएगा, जहां पर आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलेंगे, बट इंजन स्पेसिफिकेशंस अभी वाली ही रहने वाली हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी की तरफ से CNG वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं। जिस तरीके से आप देखते हो टाटा मोटर्स में डुअल टैंक सेटअप मिल जाता है, 30-30 लीटर्स के टैंक आपको देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ बूट स्पेस भी देखने को मिलता है, जैसे अल्ट्रोज हो गई, टियागो हो गई, टिगोर हो गई, पंच हो गई, इसमें डुअल टैंक सेटअप मिलता है। तो क्या कुछ इसी तरीके का CNG सेटअप लाने जा रहा है या फिर CNG के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लाने जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है। बहुत जल्द ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मारुति सुजुकी के पास ऑल्टो K10, वैगनर, डिजायर, सेलेरियो, इको, एस्प्रेसो, फ्रॉन्क, सर्टिगा, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा CNG में देखने को मिल जाती है। और अब जो नई जनरेशन की स्विफ्ट लॉन्च की गई है, बहुत जल्द इसमें भी CNG ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से एक नई कार आने जा रही है इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। ह्यूंडई की जो एक्स्टर आती है उसी पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है जिसका नाम है इंस्टर। यहां पर इसमें आपको 355 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। ये टीजर जारी कर दिया गया है और यहां पर कलर ऑप्शन भी सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है। देखते हैं ये इंडिया में कब तक लॉन्च की जाती है। अभी फिलहाल इसका टीजर ही जारी किया गया है। यहां पर आप देखोगे तो ह्यूंडई की जो फ्लैगशिप SUVs आती हैं उसमें ये पिक्सल स्टाइल लाइट्स देखने को मिलती हैं, वो ही कुछ यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं फ्रंट में LED टर्न इंडिकेटर में और रियर साइड में टेल लाइट्स में। बात करते हैं अगली अपडेट की। किया कारेंस का फेसलिफ्ट वर्जन एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। यहाँ पर इसका जो फ्रंट फेशिया है, आपको अभी जो रिसेंटली इनकी किया लाइनअप लॉन्च किया गया है उससे काफी हद तक इंस्पायर्ड लग रहा है। यानी काफी प्रीमियम लुक मिलने वाला है आपको किया करेंस के साथ में। ये इसकी कुछ रिसेंट टेस्टिंग इमेजेस सामने आई हैं। साल 2022 में किया करेंस को लॉन्च किया गया था और 2025 में इसके फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। अभी फिलहाल उसकी टेस्टिंग शुरू की गई है। अगली अपडेट की बात करें तो ह्यूंडई क्रेटा ईवी का लॉन्च कन्फर्म हो गया है इंडिया के लिए। यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2025 में।
ये Hyundai Creta EV 450 किलोमीटर की रेंज देगी एक बार फुल चार्ज होने के बाद। मार्केट में ये मारुति सुजुकी EVX और टोयोटा की जो मारुति EVX आएगी उसको राइवल करे। साथ ही टाटा की कर्व EV को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा महिंद्रा XUV400, MG ZS EV जैसी गाड़ियों को राइवल करने जा रही है और हो सकता है महिंद्रा भी मिड साइज SUV सेगमेंट में इस साल दिसंबर तक कुछ लॉन्च कर दे। उसकी अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन क्रेटा का लॉन्च कंफर्म हो गया है जनवरी 2025 के लिए। बात करते हैं अगली अपडेट की। जीप कंपास की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली बार इस पर बहुत बड़ा प्राइस कट देखने को मिला है। 1,70,000 रुपए कम कर दिए गए हैं इसके स्टार्टिंग वेरिएंट पर और अब ये 18,99,000 रुपए की एक्शन प्राइस पर अवेलेबल है। जीप कंपास मार्केट में प्रीमियम SUV जैसे XUV700 का 5 सीटर वर्जन, हैरियर और हेक्टर का 5 सीटर वर्जन को राइवल करेगी और प्राइस भी लगभग आसपास ही है। इसके अलावा इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इस टाइम पर भी जीप कंपास पेट्रोल में आती होती तो इसके प्राइसेस और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते और इन फ्यूचर हो सकता है कि जीप कंपास का नया पेट्रोल इंजन भी इंट्रोड्यूस कर दे। इसके अलावा जो लोग इसके फेसलिफ्ट वर्जन का इंतजार कर रहे हैं तो उनको ये इंतजार 2027 तक करना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। यह XUV700 पर बेस्ड जो EV आएगी उसका ही राइवल रहने वाला है और यहाँ पर आपको काफी बड़ा बैटरी पैक देखने को मिलेगा और एक अच्छी रेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। भारत में बहुत जल्द ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार का सेगमेंट आने जा रहा है। मिड साइड सेगमेंट में हैरियर EV और सफारी EV आएंगे और इसका ही प्रीमियम वर्जन सियरा EV भी आ सकता है। इसके अलावा आपने देखा पंच EV को जब लॉन्च किया गया उसके बाद से सेल्स काफी बड़ी है और पंच EV को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। उसके साथ ही ये तीन बड़े लाइनअप हैं, हैरियर EV, सफारी EV, कर्व EV, तो ये भी लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि सफारी और हैरियर EV जो रहेंगे वो 25 लाख से ऊपर की रेंज में ही आएंगे। इससे कम प्राइस पर आना थोड़ा उसका मुश्किल है और 2025 में ये लॉन्च किए जाने हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। स्कोडा कुशाक का ऑनेक्स वेरिएंट आता है, इसमें अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, ये मोस्ट अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहने वाला है। इससे पहले एम्बिशन वेरिएंट के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था टॉक कन्वर्टर वाला, 15,84,000 रुपए की एक्शन प्राइस थी। यानी कि इस टाइम पर ये काफी सस्ता लॉन्च किया गया है। 2,35,000 रुपए का डिफरेंस है, यानी 2,35,000 रुपए सस्ता ऑनेक्स ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। हालांकि DCT ट्रांसमिशन भी आता है, लेकिन सबसे सस्ता 17,39,000 रुपए का आपको मिलता है, वो भी 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ, और इसको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर LED हेडलैम्प मिल जाती है LED DRLs के साथ, फ्रंट में फॉग लैंप मिल जाएंगे स्टैटिक कॉर्निंग लैंप्स के साथ, और यहाँ पर आपको रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, हिल होल्ड कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, टू स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर, 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में आता है जिसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 19.76 KMPL है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन SUV ने 7 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। इसको साल 2017 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका AMT ट्रांसमिशन साल 2018 में लॉन्च किया गया। वहीं साल 2018 में इसको ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली। इसके बाद फरवरी 2024 में नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया, उसको भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली। साथ ही साथ अभी रिसेंटली नेक्सॉन EV को भारत एनकैप में 5 out of 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। नेक्सॉन की 3 लाख यूनिट 2022 और 2023 में बिक गई हैं और इन 7 लाख यूनिट्स में 1 लाख तो नेक्सॉन EV ही बिकी हैं। तो देखा जाए तो नेक्सॉन बैक टू बैक नए कीर्तिमान रच रहा है और भारत में 8 से 15 लाख रुपए के बजट में आने वाली एक 100 मीटर SUV है जो रोड प्रेजेंस के मामले में भी शानदार है और कंपटीशन के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ पर देखा जाए तो रिसेंटली एक मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट लॉन्च किया गया 8 लाख रुपए की एक्शोरूम प्राइस पर। अगली अपडेट की बात करें तो बहुत जल्द सिट्रोएन की तरफ से बसाल्ट SUV को लॉन्च किया जाएगा और उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आएगी जो 110 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। ये इसी साल लॉन्च की जाएगी और इसकी प्राइसेस काफी कम रहने वाली हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मार्च 2024 में इसको अनवील कर दिया गया था और एक कॉन्सेप्ट वर्जन था सामने आया था, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन टेस्टिंग के दौरान नजर आया था
सिट्रोएन की बसाल्ट कोर तमिलनाडु वाले प्लांट में तैयार किया जाएगा। भारत में ये टाटा कर्व मिड साइज एसयूवी कूपे को राइवल करने जा रही है। इसका पेट्रोल वर्जन ही आएगा, उसके बाद ईवी वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। जो इसका आइस वर्जन आएगा वो भारत में ह्यूंडई क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूजर, कुशाक, टाइगोन, होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को राइवल करेगा। अगली अपडेट की बात करें तो एमजी ने प्राइसेस बढ़ा दिए अपनी एसयूवीज पर। एमजी हेक्टर प्लस पर 30,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, वहीं एमजी एस्टर पर 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं जून में। अगली अपडेट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट से आ रही है, सेकंड जनरेशन आईसुजू एमयूएक्स का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये इसका मिड लाइफ फेसलिफ्ट वर्जन है, जहां पर इसको 26,90,000 रुपए यानी कि 11,84,000 थाईलैंड बात में लॉन्च कर दिया गया है। देखने में ये काफी जबरदस्त लग रही है, फ्रंट लुक काफी अग्रेसिव है, ओवरऑल ये काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रही है। अगर इंडिया में ये 26-27 लाख रुपए के बजट में लॉन्च की जाती है सेम लुक में, तो ये फॉर्च्यूनर को काफी तगड़ी टक्कर दे सकती है। और आपको पता ही है कि आईसुजू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ये इसका कुछ ओवरऑल लुक है, आपको ये लुक कैसा लगा? और भारत में अगर ये 30 लाख रुपए के बजट में लॉन्च की जाती है तो क्या ये ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। हुंडई की अल्काज़ार का फेसलिफ्ट वर्जन बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर इसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं। रिसेंट पिक्चर में इसके नए अलॉय व्हील्स देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो कई सारे मेजर चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट फेशिया और रियर प्रोफाइल में। साथ ही साथ ये 6 और 7 सीटर वर्जन में आने वाली एसयूवी है, और जो पावर ट्रेन ऑप्शन थे वो पहले वाले ही रहने वाले हैं, जैसे इसमें पहले आपको मिलते थे 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का जो पेयर इसमें आपको मिलता था 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, वो ऐसे ही मिलने वाला है। साथ ही साथ 7 स्पीड डीसीटी यूनिट भी आपको इसमें मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो वही 17 से 22-23 लाख रुपए के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।